हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल डेली जॉब अपडेट में आपका सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हम आपके लिए डेली न्यू जॉब वैकेंसीज लेकर आते हैं। तो दोस्तों, अगर तो आज और आपके लिए नई वैकेंसीज लेकर आए, स्पेशली आज बड़े बड़े कॉलेजेस में आज टीचिंग के लिए नॉन टीचिंग के लिए वैकेंसीज है। तो दोस्तों हमारे साथ, दोस्तों अभी तक के हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आपके लिए वीडियो लाने के लिए। तो दोस्तों, अगर हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो प्लीज़ आपको एक लाइक और सब्सक्राइब करना। तो हम देखेंगे पहली वैकेंसी, जो कि डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज, जो कि दीक्षा भूमि में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने 10 से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए टीचर पोस्ट के लिए इन्हें वैकेंसीज निकाली। आप देख सकते हैं मराठी के लिए 2 जगह है, कंप्यूटर साइंस टीचिंग के लिए 2 जगह है, लॉ कॉलेज के लिए 4 जगह है, बॉटनी सब्जेक्ट के लिए 6 जगह है, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजियोलॉजी, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, यहाँ पे देख सकते हैं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ऐसे तीनों फैकल्टी के लिए यहाँ पे आप जगह यहाँ पे उन्होंने वैकेंसीज निकाली है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हो जाने के लिए, 18 अगस्त को यहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू यहाँ पे उन्होंने रखा है। तो आप यहाँ पे दिए गए टाइम पर इंटरव्यू के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो। साथ में अगर आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आप जो डॉक्यूमेंट है आपको उसके 2 बंच बनाकर यानी फोटोकॉपी बनाकर आपको साथ में लेके जाना है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, वैकेंसी संताजी महाविद्यालय, जो कि छत्रपति स्क्वेयर नागपुर में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने 2 सब्जेक्ट के लिए टीचर के लिए वैकेंसीज निकाले हैं। तो यहाँ पे सोशियोलॉजी और इंग्लिश, इसके लिए 2-2 वैकेंसीज हैं। तो आप यहाँ पे जाना चाहते हो तो 13 अगस्त को इन्होंने वॉकिंग इंटरव्यू रखा है। तो आपको आपके डॉक्यूमेंट लेकर आपको यहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू के लिए जाना है। तो दोस्तों, अभी तक के चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ये भी धर्मपेट में वैकेंसी निकली, आप देख सकते हैं मेमोरियल साइंस कॉलेज है धर्मपेट नागपुर में। तो आपको यहाँ पे भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे उन्होंने सब्जेक्ट के लिए, ये दिए गए सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज निकाली है, यानी टीचर पोस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसीज निकाली है। आप देख सकते हैं फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री के लिए उन्होंने वैकेंसी निकाली है, स्टैटिक्स, बॉटनी, मराठी, जूलॉजी, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट लिए इन्होंने वैकेंसी यहाँ पे निकाली। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हो जाने के लिए, तो उन्होंने 18, 19 और 20 ये 3 इंटरव्यू रखा है। आप देख सकते हैं 18 के लिए उन्होंने फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट लिए उन्होंने रखा है। 19 अगस्त को ये दिए गए सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी निकले और 20 अगस्त को ये दिए गए सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी निकले। तो आप जब जाओगे तो साथ में आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसका जेरोक्स कॉपी निकल कर आपको लेके जाना है। ठीक है, ये स्वामीनारायण सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे निकले, जो कि काटोल रोड यहाँ पे कॉलेज हैं। तो यहाँ पे उन्हें अलग अलग फैकल्टी के लिए वैकेंसीज निकले। देख सकते हैं सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल हो या कंप्यूटर साइंस हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट है उन्होंने सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी निकले। तो अगर आप यहाँ पे अगर जाना चाहते हो तो यहाँ पे उन्होंने 17 अगस्त को वॉकिंग इंटरव्यू रखा है, 17 से 19 तक, और बाई चांस यहाँ पे नहीं जा सकते तो यहाँ पे उनका ईमेल आईडी दिया, आप देख सकते हैं jobs@ssitngp.com, इस पर आपको आपका रिज्यूम इन्हें सेंड कर सकते हो। ठीक है, ये वैकेंसी सेविदाल महिला महाविद्यालय, जो कि नागपुर में, आप देख सकते हैं। फिर उन्होंने दिए गए सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज निकले, आप पूरा स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड होते हैं, आप पे 13 अगस्त को वॉकिंग इंटरव्यू है, तो आप यहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ये राधा महाविद्यालय में निकले, आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्हें अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, ये 2 फैकल्टी के लिए यहाँ पे टीचिंग पोस्ट के लिए उन्होंने वैकेंसी निकाले, और साथ में लाइब्रेरियन और फिजिकल एजुकेशन के लिए भी वैकेंसीज है। तो अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हो तो दिए गए जो आपका डॉक्यूमेंट है वो इन्हें सबमिट करना है दिए गए कॉलेज एड्रेस पर। ठीक है, स्टैंड फ्रेंचाइजीज एंड सेल्स कॉलेज यहाँ पे निकले, आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने इंग्लिश, हिंदी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज निकाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हो जाने के लिए, तो 17 अगस्त को उन्होंने वॉकिंग इंटरव्यू रखा है। तो यहाँ पे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसका फोटोकॉपी निकाल कर आप 2 बंच बना के यहाँ पे आपको वॉकिंग इंटरव्यू के लिए जाना है, और साथ में यहाँ पे ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। अगर आप बाय चांस अगर नहीं जा सकते तो आप इन्हें ईमेल भी कर सकते हैं। ये वैकेंसी गजानन महाराज महिला महाविद्यालय, जो आमगाँव तालुका, आमगाँव डिस्ट्रिक्ट गोंदिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने वेरियस पदों के लिए वैकेंसीज निकाले, जो कि टीचर पोजीशन के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकले। आप देख सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, मराठी, फिजिक्स, जूलॉजी, केमिस्ट्री,
बॉटनी, मैथ, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए एक एक वैकेंसीज है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हो तो आपको क्या करना है, 25 अगस्त के पहले यहाँ पे एप्लीकेशन आपका सबमिट करना है। तो पूरा डिटेल्स उन्होंने उनका वेबसाइट दिया हुआ है, इस पर पूरा डिटेल्स दिया है, ठीक है। ये वैकेंसी आरवी पिपरी वर्धा यहाँ पर निकला, आप देख सकते हैं, श्री कृष्णदास जाजो ग्रामीण सेवा महाविद्यालय है पिपरी में। तो यहाँ पे उन्होंने 3 सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी निकाली, देख सकते हैं आप, इंग्लिश, कॉरपोरेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्सटेंशन, ये 3 पदों के लिए उन्होंने वैकेंसी निकाली हैं। अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे उन्होंने 20 अगस्त को वॉक इन इंटरव्यू रखा है, तो आप यहाँ पे जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल दिया है, स्क्रीन पर आप पूरा देख सकते हैं। वैकेंसी यशवंतराव चौहान आर्ट एंड कॉमर्स साइंस, जो कि लखनपुर डिस्ट्रिक्ट भंडारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने ऑनलाइन अप्लीकेशन मांगा है। आप देख सकते हैं 28 अगस्त के पहले आपको अप्लीकेशन करना है। यहाँ पे उनका पोर्टल दिया हुआ है ऑनलाइन, यहाँ पर जाकर आप पूरा चेक कर सकते हैं। ये वैकेंसी वर्धा डिस्ट्रिक्ट में कारंजा में निकला, आप देख सकते हैं, नारायण राव काड़े स्मृति मॉडल कॉलेज है कारंजा में, जो डिस्ट्रिक्ट वर्धा में आते हैं। यहाँ पे उन्होंने 7 सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी निकाली, आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट लिए उन्होंने टीचर्स चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हो जाने के लिए, तो उन्होंने 23 अगस्त को वॉक इन इंटरव्यू रखा है। अगर आप 23 अगस्त को आपका रिज्यूम और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड 2 सेट ऑफ फोटो कॉपीज लेकर आपको दिए गए एड्रेस पर आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। और साथ में यहाँ पे उनका ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, इस ईमेल आईडी पर आपको, अगर आप बाई चांस अगर नहीं जा सकते हैं इस दिए गए एड्रेस वॉक इन इंटरव्यू के लिए, तो आप इन्हें ईमेल भी कर सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट। वैकेंसी जीएस कॉलेज, जो कि वर्धा में है, यहाँ पे निकले, आप देख सकते हैं, इन्होंने 2 फैकल्टी यानी कॉमर्स एंड मराठी है, दो सब्जेक्ट के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली। आप देख सकते हैं, कॉमर्स के लिए 4 पदों के लिए वैकेंसी 4 जगह निकाली और मराठी के लिए 2 जगह। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, पूरा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप अप्लाई करने जाते हो तो 20 अगस्त के पहले आपको प्रिंसिपल ऑफिस में आपका अप्लीकेशन, रिज्यूम और जो डॉक्यूमेंट है आपके, वो ले जाकर इन्हें इस दिए गए एड्रेस पर आपको लेके देना है, ठीक है। ये वैकेंसी श्री समर्थ आर्ट एंड कॉमर्स साइंस कॉलेज, जो आस्टी में, डिस्ट्रिक्ट वर्धा में। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने 5 सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी निकली, इंग्लिश के लिए 2 है, पॉलिटिकल साइंस के लिए 1 है, हिस्ट्री के लिए 2 है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए 2 है, और कॉमर्स फैकल्टी के लिए 2 टीचर के लिए वैकेंसीज है। अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हो जाने के लिए, तो 20 अगस्त को इन्होंने वॉक इन इंटरव्यू रखा है, तो आप दिए गए एड्रेस हैं इस पर आप आपके डॉक्यूमेंट लेकर और साथ में 2 सेट ऑफ फोटो कॉपीज जो डॉक्यूमेंट के है यानी जेरोक्स निकल कर आपको दिए गए एड्रेस पर जाना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।